हेलो एवरीवन, सो फ्रेंड्स वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। एंड आज का हमारा ये करंट अफेयर्स का सेशन अब स्टार्ट हो चुका है और आज हम डिस्कस करेंगे मेनली 20th ऑफ जुलाई और 21st ऑफ जुलाई के अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको। और इसी तरीके से देखिए, हम ये डेली शो लेके आते हैं, सिर्फ 10 से 12 मिनट का ही रहता है। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मैं बात करूँ बैंकिंग एग्जाम की, इंश्योरेंस एग्जाम की, SSC, रेलवे या UPSC एग्जाम की भी, तो आप ये डेली शो को देखा करें, क्योंकि इसी जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आप सिंपली क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, ताकि आपके पास हमारी सारी वीडियोस का जो है वो अपडेट भी लगातार मिलता रहे। क्योंकि इसके अलावा भी हमने रिसेंटली SSC का क्रैश कोर्स की सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, जहां पर देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, खासकर Tier 1 को ध्यान में रखते हुए, उनको एक एक करके हम ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का शो हमारा। आप पेन एंड पेपर लेके बैठे। देखिए, सबसे पहला कल की इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होने वाला था इस साल ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसको पोस्टपोन करना पड़ा है ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। और अब जो है बेसिकली 2021 के अंदर होगा, तो इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। सो द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑन 20th ऑफ जुलाई, यानी कल एक मीटिंग में उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसे पोस्टपोन करना पड़ा है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। और अब ये कब होगा, अक्टूबर मंथ में ये स्टार्ट होगा 2021 में। और इसके अलावा देखिए, दो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स को भी पोस्टपोन करना पड़ रहा है, या रीशेड्यूल हम कह सकते हैं इसकी वजह से करना पड़ रहा है। वो है मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 में जो होना था, और वर्ल्ड कप जो 2023 में होना था। तो अगर बात करें अब जो T20 वर्ल्ड कप है जो अभी होना था 2020 में, अभी अक्टूबर नवंबर मंथ में होगा, जबकि ODI वर्ल्ड कप जो है उसे, जो पहले फरवरी 2023 में होना था, अब उसे अक्टूबर नवंबर तक के लिए रीशेड्यूल कर दिया गया। और जो ODI वर्ल्ड कप है ये इंडिया में होना है 2023 के अंदर। ठीक है, तो चलिए, ये कल की इंपॉर्टेंट मीटिंग में डिसीजंस लिए गए हैं ICC के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करें, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, वो देखिए अब आ चुका है, जुलाई 20 से उसे एनफोर्स कर दिया गया है, ये बात सेंटर ने दी है जानकारी। तो ये देखिए क्या अलग है, क्योंकि पहले भी देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो था, बट अब देखिए इसमें चेंजेस किए गए हैं, तो क्या क्या चेंज है उसके बारे में जान लेते हैं। सो द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज कम इनटू फोर्स फ्रॉम जुलाई 20th, यानी कल से ही। द न्यू लॉ विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स थ्रू इट्स नोटिफाइड रूल्स एंड प्रोविजंस। लाइक इसमें देखिए क्या क्या और प्रोविजंस को ऐड किया गया, जैसे कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन बनाए जाएंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एस्टेब्लिश की जाएंगी, अपार्ट फ्रॉम इट जो प्रोडक्ट लाइबिलिटी रहेगी, मीडिएशन रहेगा। और जो भी देखिए कोई पर्सन अगर एडल्ट्रेटेड गुड्स भेजता है, यानी मिलावटी सामान भेजता है, तो उस केस में जो है पनिशमेंट भी दी जाएगी, जो मैन्युफैक्चरर है या जिसने उस प्रोडक्ट की सेल की है, उस यानी मिलावटी सामान की सेल की है, उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये सब चीजें देखिए इसके अंदर, अब इसके प्रोविजंस के अंदर ऐड किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट बात करें, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ऑल्सो इंक्लूड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी CCPA भी इसके अंदर, इसके तहत एस्टेब्लिश किया जाएगी एक बॉडी है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्रोमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स। ये कुछ चेंजेस है देखिए जो इस बार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में किए गए हैं। 2019 में इसको पास किया गया था, बट अब इसे एनफोर्स अब किया जा रहा है। और अगर बात करें, रूल्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विल बी कवर्ड अंडर द एक्ट। आप सभी को पता है देखिए, इस टाइम पे बहुत सारी हम चीजों की शॉपिंग जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू कर लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ठीक है ना। तो उनकी भी देखिए लाइबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी हम उनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है वो हमें अवेलेबल वहीं पर ही उस प्रोडक्ट के साथ में ही होनी चाहिए। तो अभी इसको भी, इसके अंदर जो जितने भी हमारे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स है उसको भी इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कवर किया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया, जो एक बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी CCPA, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो इसका मेन काम यही है कि वो प्रोटेक्ट करेगा हमारे राइट्स को, प्रमोट करेगा और एनफोर्स करेगा, ठीक है। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन की मैंने आपको बात बताई, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की बात बताई, तो ये भी सब चीजें इसके प्रोविजंस में ऐड किया गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है उसने अपना पहला स्पेस मिशन टू मार्स जो है वो लॉन्च कर दिया है फ्रॉम जापान, जापान के एक स्पेस सेंटर से। तो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफी हिस्टोरिक इवेंट है, खासकर अगर हम पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बात करें। सो द UAE's हिस्टोरिक जर्नी टू मार्स हैज बीन सक्सेसफुली स्टार्टेड व्हेन द स्पेस क्राफ्ट, जिसका नाम है होप प्रोब, इसको जरूर आप नोट डाउन कर ले। तो स्पेस क्राफ्ट का नाम है होप प्रोब, जिसने देखिए अर्ली मॉर्निंग में इसे लॉन्च किया गया था, और जिस रॉकेट के थ्रू इसे लॉन्च किया गया उसका नाम है H2A। तो ये दो चीजें इसका आपको लिखना है, रॉकेट है H2A और जो स्पेस क्राफ्ट है वो है होप प्रोब। उसे देखिए लॉन्च किया गया है स्पेस के अंदर फ्रॉम द
टेनेगैशिमा स्पेस सेंटर इन जापान। तो जापान के टेनेगैशिमा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया है। और अगर हम बात करें अरब वर्ल्ड का, यानी अगर हम पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, उसका पहला इस तरीके का इंटरप्लेनेटरी लैंडमार्क मिशन है, जिस जो कि यूएई ने फर्मली अहेड ऑफ द ऑल द कंट्रीज इन द मिडल ईस्ट इन द एरिया ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करें जितनी भी मिडल ईस्ट की कंट्रीज है, चाहे हम बात करें ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया हो गया, ठीक है, जहां पे भी देखिए आपको पता है कच्चा तेल सबसे ज्यादा अवेलेबल रहता है, खाड़ी देश जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, कुवैत, ये सारे देश जो है ये सारे मिडल ईस्ट में आते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें इस तरीके की, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में अगर बात करें तो यूएई इन सबसे काफी आगे है। और अब उसका ये लैंडमार्क मिशन जो है मार्स का, ये भी देखिए उन्होंने लॉन्च कर दिया है। सो अगर बात करें होप प्रोब स्पेसक्राफ्ट की, तो ये देखिए यानी मार्स तक, यानी जिसे हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं, ये देखिए फरवरी 2021 तक वहां पे पहुंच जाएगा, यानी अगले साल, टू कोइंसाइड विद यूएई 50th एनिवर्सरी ऑफ इट्स फॉर्मेशन, ठीक है। और अगर बात करें तो देखिए ऑब्वियसली बात है, इसकी एक्सपेक्टेशन यही है कि ये देखिए वहां जाके इमेजेस लेगा और सारा जो इंपॉर्टेंट डाटा है वो वापस अर्थ तक ये स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला है, ठीक है। तो एक बड़ा कह सकते हैं मिशन है, खासकर मिडल ईस्ट में बात करें यूएई के द्वारा, ठीक है। आपको ये भी पता है कि इंडिया ने ऑलरेडी अपना मंगलयान जो है वो भेजा हुआ है, इसी तरीके से वो एक मार्स पर मिशन था जो कि सक्सेसफुल इंडिया ने कंप्लीट भी करा हुआ है। तो ये देखिए उस जब लॉन्च किया गया तो उसका ये विजुअल है जब ये स्पेसक्राफ्ट को। सो अगर नेक्स्ट बात करें तो देखिए काफी अच्छी न्यूज आई है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि देखिए काफी टाइम से कोविड-19 की वैक्सीन पर काम कर रही है, उनके अर्ली ट्रायल में उनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है। तो इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सो द अर्ली स्टेज ह्यूमन ट्रायल डाटा ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, जिसे देखिए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर डेवलप किया है, उन्होंने रिवील किया है दैट इट इज सेफ एंड इंड्यूसेस इम्यून रिस्पॉन्स। यानी जिन लोगों को भी इसकी डोज दी गई इस वैक्सीन की, उनके देखिए इम्यून सिस्टम ने इसको पॉजिटिव तरीके से इसका रिस्पॉन्स दिया विद माइल्ड साइड इफेक्ट्स इन सम पार्टिसिपेंट्स। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट्स यानी जिनको ये डोज दी गई थी इस वैक्सीन की, कुछ में माइल्ड साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले, बट ओवरऑल जो है रिजल्ट पॉजिटिव है। ऑलमोस्ट सभी की जो है बॉडी के इम्यून सिस्टम ने इसे पॉजिटिव तरीके से रिस्पॉन्स किया इसको, इस वैक्सीन पे, ठीक है। तो अगर बात करें इसके प्रिलिमिनरी रिजल्ट की, जो अभी तक जानकारी फेज 1 या फेज 2 ट्रायल की जो पब्लिश की गई है द लैंसेट जनरल, जो कि अपने आप में बहुत फेमस जनरल है, उसके अंदर उसमें देखिए कहा गया कि 1107 लोगों पे इस को जो है इसकी वैक्सीन की डोज दी गई थी, और उन्होंने सक्सेसफुल मोस्टली की जो है इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज को जनरेट किया, टी सेल्स को, जो कि देखिए कोरोना वायरस जो है उससे लड़ने में हेल्प करता है, जो एंटीबॉडीज होती है, ठीक है ना। और स्टडी ने ये शो किया कि 90% ऑफ इन्वॉल्व पीपल डेवलप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज आफ्टर 1 डोज। 90% लोगों में देखिए ये देखने को मिला कि उनको एक डोज जब इसकी दी गई तो उनकी बॉडी ने जो है, जो उनकी इम्यून सिस्टम है, उन्होंने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज को जनरेट किया, जो कि इस वायरस को खत्म करने में, इससे फाइट करने में हेल्प करते। जबकि 10 लोग ऐसे भी थे जिनको इसकी 2 डोज भी देनी पड़ी, बट ओवरऑल रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिला है। और ये वैक्सीन कैसे बनाई जा रही है, तो ये भी मैं आपको बता दूं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस, जो कि देखिए कॉमन कोल्ड का रीजन है चिंपैंजी के अंदर, ठीक है ना, जो कॉमन कोल्ड की वजह है चिंपैंजी के अंदर जो वायरस, उसको यूज करके, उसे जेनेटिकली जो है चेंज करके जो है इस वैक्सीन को बनाया जा रहा है। तो ये था देखिए एक अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं, अगर जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन आ जाती है तो ये सबसे देखिए अच्छी चीज रहेगी। और आखिरी में हम बात करें तो जो इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, जितने भी मसाले हो गए, उसका देखिए एक्सपोर्ट अब बढ़ गया है बाई 23%, ठीक है। सो ये देखिए इसके बारे में एसोचैम ने बताया है, अकॉर्डिंग टू एसोचैम इंडिया स्पाइसेस एक्सपोर्ट्स देखिए 23% से बढ़ गया है टू $359 मिलियन US इन जून 2020, एज कम्पेयर टू अगर हम जून 2019 की बात करें, जब देखिए इसका $292 मिलियन US ही का ही स्पाइसिस जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता था। तो अराउंड 23% से इसका इंक्रीज बढ़ना एक अच्छी न्यूज हम कह सकते हैं, क्योंकि आप ये भी आपको पता हो कि ये जो टाइम पीरियड है जून 2020, इस टाइम पे देखिए ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में लॉकडाउन रहा है, बट स्टिल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जितने भी मसाले होते हैं स्पाइसेस, उसका बढ़ा है 23% से। और स्टडी ने ये भी रिवील किया कि हाउ द राइजिंग डिमांड फॉर स्पाइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट लेड टू अ शार्प इंक्रीज इन देयर प्राइसेस बाय ऑलमोस्ट 12% इन जून। और ना सिर्फ इसकी डिमांड बाहर बढ़ी है, इसका एक्सपोर्ट इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ी है, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस अराउंड 12% से बढ़ गए हैं। और कौन से ऐसे स्पाइसेस है जो इंडिया मोस्टली
बाहर सेल करता है, एक्सपोर्ट करते है, वो है पेपर, कार्डमम, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, कैलरी, फेनल, फेनुग्रीक, नटमेग, स्पाइस ऑयल्स जैसे या मिंट प्रोडक्ट्स जो है इंडिया मेनली बाहर की कंट्री को बेचता है, एक्सपोर्ट करता है। और कौन से मेन इसके इंपोर्टर कंट्रीज है, वो यूएस है, यूके है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ईरान, सिंगापुर, चाइना एंड बांग्लादेश। तो ये कुछ मेन कंट्रीज है जहाँ पे इंडिया इन स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है। तो ये थे देखिए आज के हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से हम डेली ये शो लेके ही आते हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।